हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो है हम टॉपिक मैट इसको ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कल जहां से छोड़ा था, क्या था कल बताया भी था कि नया टॉपिक है आज, फीचर ऑफ स्पेशल केस ऑफ मैट्रिक्स। स्पेशल केस ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट में है, इफ इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल फर्स्ट है, ऑर्थोगोनल फर्स्ट है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या होगा, ए ट्रांसपोर्ट ए मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए ए की पावर, ये ए का ट्रांसपोज, ए की पावर टी, ए का ट्रांसपोज भी इक्वल टू पाई है। अगर ये जो है इनकी एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन, या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और की मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लिकेशन से क्या होना चाहिए, आई एन के इक्वल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ है, सब ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ये सब है क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, हर इन्वोल्यूट इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर इक्वल टू आई। फोर्थ इज निरुपोटेंट मैट्रिक्स, डिटरमिनेशन ए की पावर एन या और, ये हो गया, ये है स्पेशल केस। ये क्या है स्पेशल केस, क्या है फोर ए सारे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, फोर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, ए उसका ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स ट्रांसपोर्ट और मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आई एन, यानी आइडेंटिटी आई एन के इक्वल होने चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स के आई और आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू आई, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू आई, और निरुपोटेंट इक्वल टू, क्योंकि कोई डिटरमिनेशन है ए की पावर एन का मैट्रिक्स का, वही है सिंगल मैट्रिक्स के भी इक्वल होनी चाहिए पावर की एन की भी, और यानी ए की पावर एन, ए को एन बार मल्टीप्लाई करें ए की पावर एन, या उसी खाली डिटरमिनेशन दोनों का क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड टू द निरुपोटेंट मैट्रिक्स। ए क्वेश्चन है जैसे ये, यह 2 - 2 = 4, 2 - 2 = 4, 1 - 1 = 3, 4, 1 = 3, 4, एंड न्यू इज 1 - 2 - 3, ये मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है, ये गिवन है, सिर्फ प्रूव करना है कि दैट इज द गिवन मैट्रिक्स इज
आइडमपोटेंट दैट द गिवन मैट्रिक्स इज आइडमपोटेंट, ये मैट्रिक्स प्रूव करनी है कि मैट्रिक्स गिवन है, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, प्रूव दैट, ये चेक दिस, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स के लिए चेक करना है, इस आइडमपोटेंट मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए मल्टीप्लाई है ए, ए की वैल्यू क्या है, टू माइनस टू माइनस फोर माइनस वन थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, दैट इज फिर ए क्या आ जाएगा, टू माइनस टू फोर वन माइनस वन थ्री फोर माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री। देखो इसे इन दोनों की क्या कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, वही है तरीका, इसको रो को लेके फिर इसको कॉलम को इसके साथ, फिर ये फिर इसके साथ, फिर ये जैसी सेम चीज, सेकेंड रो को लेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ, फिर मल्टीप्लिकेशन करो क्या आएगा, यहाँ माइनस नहीं है। अब करो उसको, ये थोड़ा क्या है, ये वन, अब करो उसको, तो क्या आ गया, छह भी आ जाएंगे, क्या आ गया, यही आ गया, ठीक है, जो आंसर निकालना है यही आ गया, टू माइनस टू ये आ गया ना, यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें, यही आंसर आ जाएगा, हैंस वी कैन से दैट द हैंड वी कैन से दैट द मैट्रिक्स इज क्या है, मैट्रिक्स इज क्या है, आइडियोपोटेंट मैट्रिक्स, इस तरह हम जैसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो है कोई भी अगर मैट्रिक्स निकाल लेंगे, चेक करना होगी क्या गिवन है कि ये मैट्रिक्स जो की है वो ऑर्थोगोनल है, आइडियोपोटेंट है, इनवॉलेंट्री है, न्यूट्रेंट है, इसलिए हम जो है इसकी चेक कर लेंगे, ये इजीली हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक गिवन मैट्रिक्स है ए स्क्वायर माइनस, प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये और फिर क्या है इसका, टू ए बी माइनस टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या है माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या जगह देते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये कोई एक गिवन मैट्रिक्स है, ये एक गिवन मैट्रिक्स है, ये इसको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, That is to the orthogonal. That's that matrix is orthogonal. Orthogonal है तो क्या होगा, A होने चाहिए matrix और इसका A का transpose इक्वल टू क्या होना चाहिए, I. ठीक,
अब अगर मैं इसका ट्रांसपोर्ट करूं और इसकी मल्टीशन करूं, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। ए है इसका ट्रांसपोर्ट, फिर इसकी क्या है मल्टीशन करूं, क्योंकि ये बहुत नंबर तो है नहीं है, ये वेरिएबल है, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको क्या करता हूं मैं, इसको थोड़ा सिंपलेशन कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ मैं इसको, थोड़ा सिंपलेशन कर लेता हूँ। इन दोनों में से क्या ले लूं मैं, बी स्क्वायर कॉमन ले लूं। क्या ले लूं, बी स्क्वायर कॉमन ले लूं, ऊपर से बी स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर कॉमन लेके आ जाएगा 1 - a² / b², नीचे से भी बी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, क्या जाएगा बी स्क्वायर कॉमन लेके a² + b² + k² ठीक। अब ठीक इसी तरह से इसमें भी ठीक है, इसमें भी जो है मैं क्या कर ले लूंगा, इसमें भी बी स्क्वायर को मैं ले लूंगा, क्या आ जाएगा ये -2ab, बी स्क्वायर को मैं लेके a² + b² / ठीक इसी तरह से अब इसमें से भी बी स्क्वायर मैं कॉमन ले लूंगा, इसमें से क्या ले लूंगा मैं, बी स्क्वायर ले लूंगा -2ab, ये क्या जाएगा a² / b² + 1। फिर इसमें से भी बी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा मैं यहां से, इस बी स्क्वायर से डी, ये मैट्रिक्स साइज हुई, इस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर जाएगा, इस बी से बी जाएगा, तो -2a / ab क्या जाएगा यहां से a इक्वल क्या जाएगा ये 1 - a² / b² 1 - a² / b² / a² / b² + 1। नीचे क्या जाएगा ये -2a / b² + b² + 1 -2a / b² / a² + b² + 1 नीचे क्या आएगा, b² क्या जाएगा ये a² / b² - 1 नीचे क्या जाएगा a² + b² + 1 ठीक। और अब क्या है इसमें, a / b को अब मैं क्या पुट कर देता हूँ, a / b को इसमें tan थीटा पुट कर देता हूँ, a / b को क्या कर देता हूँ पुट, a / b = tan θ, तो क्या आ जाएगा ये 1 - tan²θ / 1 + tan²θ -2tan θ / 1 + tan²θ, इसमें क्या जाएगा -2tan θ / 1 + tan²θ, इसमें क्या जाएगा tan²θ - 1 अपॉन ठीक है। और अब देखो क्या फॉर्मूला है ये 1 -
टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या के बराबर होता है फॉर्मूले, क्या बराबर होता है ये कोस टू थीटा, ये क्या देगा टू साइन थीटा अपॉन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या बराबर होता है साइन टू थीटा के। ठीक है ये क्या आएगा, ये साइन टू थीटा, क्या बराबर जाएगा ये कोस टू थीटा, ये क्या कोस टू थीटा, और ये टू टेन थीटा, ये क्या बराबर फॉर्मूले रखा है, ये रखा है साइन टू थीटा, ये क्या देगा कोस ए इक्वल टू कोस टू थीटा, ये क्या आएगा माइनस साइन टू थीटा, फिर ये क्या बराबर जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, ये फिर क्या आ गया देखो यार, वन टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, इन दोनों में माइनस कॉमन लेके ऐसा ही बन जाएगा ये, फिर क्या आ जाएगा माइनस कोस टू थीटा, ये ए के बराबर आ गया, क्या आ गया ये ए के बराबर, ए के बराबर क्या आ गया ये कोस टू थीटा माइनस साइन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा माइनस टेन टू थीटा। अब इसका ट्रांसपोज कर लेंगे, क्या आएगा ये ट्रांसपोज एक पावर टी, एक ट्रांसपोज कोस टू थीटा कोस टू थीटा माइनस साइन टू थीटा, फिर क्या आएगा माइनस साइन टू थीटा कोस, यह आ जाएगा इसका ट्रांसफोर कोस टू थीटा, ठीक है ये सेम ही रहा, और फिर इन दोनों क्या कर लूंगा मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, क्या कर लूंगा ए ए की पावर टी, इनका है ना ए ए की पावर टी, ए की पावर टी क्या आ जाएगा ये कोस टू थीटा माइनस साइन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा माइनस कोस टू थीटा, कोस टू थीटा माइनस साइन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा माइनस कोस टू थीटा। अब जो है कोस टू थीटा की इसमें है कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन टू थीटा के माइनस साइन स्क्वायर थीटा में क्या आ गया हो कोस स्क्वायर टू थीटा, क्या आ गया हो कोस स्क्वायर टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा, फिर इसमें क्या आ जाएगा कोस टू थीटा कोस टू थीटा माइनस कोस टू थीटा साइन थीटा माइनस साइन माइनस माइनस प्लस, क्या आ गए कोस टू थीटा साइन टू थीटा माइनस कोस टू थीटा साइन टू थीटा, इसी तरह इसमें सेम इसमें सेम इसमें जाएगा क्या आएगा माइनस साइन टू थीटा कोस टू थीटा प्लस कोस टू थीटा साइन टू थीटा, इधर से फिर इसकी क्या जगह माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा साइन स्क्वायर टू थीटा प्लस कोस स्क्वायर टू थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई वन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है जीरो, ये वन आ गई ये जीरो आ गई, इस वैल्यू जीरो से कट जाएगा इसकी वैल्यू से आ गई वन, एंड द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हेंस द मैट्रिक्स इज क्योंकि बिकॉज इज इट इज टू द यूनिट ए और ए पी एक्स ए ए ए के ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू आई। सवाल क्या था ये देखो, ये सवाल क्या था, ये सवाल था ए इक्वल टू b माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी, ये क्वेश्चन था, इसको प्रूव करना था कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल के लिए प्रूव करते हैं कि a a की पावर t या a a का ट्रांसपोर्ट इक्वल टू i। अच्छा अब इसको क्वेश्चन को ये सोल्व करने से पहले मैं इन दोनों में क्या गया, ऊपर से मैंने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या ले लिया मैंने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, नीचे से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये यहां से भी यहां नीचे से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, फिर यहां से भी ये बी स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर आ जाएगा तो ये कंडीशन बन गई, ये आ गया सारा कुछ,
सॉरी, ये नीचे बी आएगा, बी को ऊपर ले आके टू अपॉन ए भी लिख लिया, सिमिलरली यहां भी लिख लिया। ठीक, अब मैं ए अपॉन बी को क्या कर दिया, मैंने टेन थीटा प्रूव कर दिया, टेन थीटा पुट कर दिया, लेट पुट कर दिया अपनी तरफ से ए अपॉन बी को टेन थीटा, तो ये क्या आ गया, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टू टेन थीटा अपॉन ये आ गया रख के, और हमको पता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ के बराबर होता है फॉर्मूला कोस टू थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या इक्वल होता है माइनस साइन टू थीटा, मतलब ये जो तू माइनस है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या इक्वल होता है साइन टू थीटा के, इसे क्या आ गया, ये फिर गया साइन टू थीटा, इसकी वैल्यू रखी और कोस टू थीटा वैल्यू रखी, इसको दोनों को जो है फिर का ट्रांसपोर्ट कर लिया, रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज कर लिया, ये तीन दोनों की क्या कर ली हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली, ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है वन, ये से ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो वन जीरो जीरो दैट इज हैंस द मैट्रिक्स, द गिवन इज मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है भाई, आगे बढ़े, अब आ गया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इफ ए बी एन ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इफ ए बी एन ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड बी द मैट्रिक्स सच दैट इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स is such that AB equal to BA, क्या है, क्या क्वेश्चन है, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड बी इज ए मैट्रिक्स सच दैट ए बी देन शो दैट ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू ए, ये प्रूव करना है, ठीक है भाई। अच्छा, गिवन है, गिवन क्या है, ए इज ऑर्थोगोनल, ए इज अभी प्रूव करा है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल इफ देन Then, a की पावर थ्री इक्वल टू फाइव, ये भी गिविन है, और एक क्या गिविन है, ए बी इक्वल टू बी ए, ए बी इक्वल टू बी ए। अच्छा, और ये मुझको क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि ए बी, अच्छा अब इसका मैं दोनों का ट्रांसपोर्ट ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ मैं दोनों का, ए बी का ट्रांसपोर्ट इक्वल टू बी ए का ट्रांसपोर्ट, ये आ गया भाई, ये क्या आ गया, बी का ट्रांसपोर्ट ए का ट्रांसपोर्ट इक्वल टू ए का ट्रांसपोर्ट और बी का ट्रांसपोर्ट, ये आ गया, ए बी का ट्रांसपोर्ट कर लिया, क्या आ गया, ए का बी का ट्रांसपोर्ट, ए का ट्रांसपोर्ट और बी, अब मैं क्या करता हूँ इसमें दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों तरफ क्या है मैट्रिक्स ए से इनके मल्टीप्लाई कर, बी की पावर टी, ए की पावर टी
ए इज इक्वल टू ए की पावर टी, बी की पावर टी और ए, ठीक। ये जो है ए की पावर टी, ए की पावर टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आई हो जाएगा फोर ऑर्थोगोनल के लिए, ये आई आ गया, और आई की दिया, ठीक। और आई की किसी भी मल्टी, उसमें मल्टीप्लाई करके क्या आता है, वही सेम मैटर क्या आ गया, बी की पावर टी इक्वल टू ए की पावर टी, बी की पावर टी और ये आ गया, ठीक। इसमें क्या करा मैंने, ए की और फिर किसके, पहले तो इनकी ये है एलएचएस में करी थी मैंने, अभी क्या में करी थी, पहले इनकी ए की मल्टीप्लाई आरएचएस में करी थी, क्या में करी थी ये, अभी एलएचएस साइड में कर देता हूँ, या फिर ए की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या आ जाएगा, ए बी की पावर टी इक्वल टू ए की पावर टी, ए की पावर टी, बी की पावर टी ए, ये नहीं, ये क्या आ गया, ये आ गया ए बी की पावर टी, ए की पावर टी, बी की पावर टी ए, ये नंबर आ गया। और ए ए की पावर टी में क्या आ गया है, ए ए की पावर टी का क्या आ गया है, ए ए की पावर टी कितना होता है आई, ये कितना होता है आई, फिर क्या आ गया, ए बी की पावर टी इक्वल टू बी की पावर टी, फिर ये आई हो गया, दैट इज प्रूफ, ये प्रूफ है भाई, ये प्रूफ, क्या क्या है, इफ ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था, इस तरह का था, और बी मैट्रिक्स था सच दैट ए बी इक्वल टू बी है, इस तरह का था मैट्रिक्स था, देन शो दैट ए बी की पावर टी इक्वल टू बी की पावर टी ए, गिवन है ए इज ऑर्थोगोनल, ए इज ऑर्थोगोनल, अगर ए इज ऑर्थोगोनल है तो क्या आएगा, ए ए की पावर टी इक्वल टू आई इक्वल टू ए की पावर टी ए, ए की पावर टी ए, अच्छा अब एक और कंडीशन है, ये गिवन है, ये तो ऑर्थोगोनल के लिए होगी, और ये दूसरी गिवन है कंडीशन, ये तो फर्स्ट हो गई मान लिया, ये क्या आ गई, अब इसका दोनों का क्या कर लिया, ट्रांसपोर्ट ले लिया, क्या ले लिया इसका, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या है, क्या है ना, ए ये होता है ना ए बी की पावर टी, तो इसका ट्रांसपोर्ट क्या आ गया, बी की पावर टी और ए की पावर सी, ये बी की पावर टी ए की पावर टी, ये क्या आ गया, ए की पावर टी और बी की पावर, या ए का ट्रांसपोर्ट बी का ट्रांसपोर्ट, या बी का ट्रांसपोर्ट और ए का ट्रांसपोर्ट, इस तरह। फिर मैंने क्या किया, इनके आर एच एस साइड में ये दोनों तरफ ए से क्या कर दिया, ये मल्टीप्लिकेशन कर दी वो साइड में, ठीक। इस तरह ये क्या आ जाएगा, ये ए की ए ट्रांसपोर्ट ए क्या आ जाएगा आई, ये ए की ट्रांसपोर्ट बी का ट्रांसपोर्ट सेम है। अब फिर मैंने इसको क्या कर दिया, इसके दोनों तरफ एलएचएस साइड में, एलएचएस साइड में क्या कर दिया, दोनों फंक्शनों के ए से मल्टीप्लाई कर, ए से क्या मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ए से ये कर दिया, फिर ये ए की पावर टी क्या आएगा, फिर आई आ गया, और आई की मल्टीप्लिकेशन किसी भी इसमें सेम नंबर आता है, तो क्या ए बी की पावर टी इक्वल टू बी की पावर टी ए, दैट इज ट्रू, आई बात में भाई, आगे बढ़े, अब है एडजॉइंट एंड एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई मान लिया लेट ए इक्वल टू ए वन ए टू ए थ्री अब ए एन, इसका ये बी बी वन बी टू बी थ्री
एंड बी एन, ये है सी वन सी टू सी थ्री एंड सी एन, ये कोई गिवन कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन की, ऑफ ऑर्डर एन की ये कोई मैट्रिक्स है, लेट ए इक्वल टू ए आई जे इज द मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर एन, ठीक। और मैं फिर इसका क्या निकाल लेता हूं, मैं इसका इसके कोफैक्टर निकाल लेता हूं, कोफैक्टर ये जो इसके मैट्रिक्स इसके कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर की मान लिया मैट्रिक्स है ये सी आ गई, ये आ गई मान लिया ए वन डैश ए टू डैश ए थ्री डैश एंड सो ऑन ए एन डैश, इसी तरह से ये बी वन डैश बी टू डैश बी थ्री डैश बी एन डैश, इस तरह से ये सी वन सी टू डैश सी थ्री डैश सी एन डैश, इस फैक्टर ये कोफैक्टर आ गई इस मैट्रिक्स से, गिवन मैट्रिक्स से क्या आ गई कोफैक्टर, इसका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके वही क्या कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए, क्या कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए एंड इज जनरेटेड बाय ए डी जे, एंड जनरेटेड बाय ए डी जे ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ए के ए से जो ए के जो कोफैक्टर आए हैं, ए के जो कोफैक्टर आए हैं उनका ट्रांसपोज करके ही वो क्या कह रहा है एडजेंट ऑफ ए, वो कह रहा है एडजेंट एंड इट इज जनरेटेड बाय डी जे ए डी जे, एडजेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द ए, ठीक। जैसे एक एग्जांपल लेके इसको करते हैं, जैसे वन 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 एक मैट्रिक्स है, वन 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 टू वन माइनस थ्री, टू वन माइनस थ्री एंड माइनस वन टू थ्री, फाइंड इट एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजेंट ऑफ ए, एडजेंट ऑफ ए से मान लिया इसके पहले क्या मान लो से कोफैक्टर, पहले का जो इसका जो कोफैक्टर है मान लिया सी वन है, क्या मान लिया इसका सी वन है इसका फैक्टर, क्या है इसका फैक्टर है इसका सी वन वन, सी वन वन ये पहली रो होगा, फिर इसका सी वन टू, इसका क्या है कोफैक्टर निकालने के लिए देखो इस तरह क्या करेंगे, ये क्या आएगा वन माइनस थ्री, क्या आएगा वन माइनस थ्री एंड टू थ्री, सी वन वन इस तरह क्या निकालेगा सी वन टू, क्या जाएगा ये इससे क्या जाएगा टू माइनस थ्री माइनस वन थ्री, ये क्या जाएगा सी वन थ्री, क्या जाएगा ये सी वन थ्री, क्या जाएगा ये टू वन, टू वन माइनस वन, इसमें एक और ध्यान रखना है ये जैसे यहाँ आएगा वो तो सोल्यूशन कहते हैं प्लस माइनस प्लस, क्या गया प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ जो प्लस है यहाँ क्या जाएगा ये माइनस, ये क्या जाएगा ये माइनस प्लस, फिर इस तरह प्लस माइनस, ये सी वन, अब यह सी टू वन, सी टू वन, सी टू वन कितना आ गया भैया सी टू वन कितना आ गए वन माइनस थ्री टू
ठीक ये क्या आ गया, सी टू टू, सी टू टू कितना आ गया, 1 माइनस 3 2 3, सी टू टू, सी टू थ्री, सी टू टू कितना आ गया, वन वन माइनस वन थ्री। अब है सी टू थ्री, सी टू थ्री कितना जगह, ये 1 1 माइनस 1 2, 1 1 माइनस 1 3, ये सी टू थ्री आ गया। इसी तरह सी थ्री वन, सिमिलरली सी थ्री वन क्या आ गया इसका, सी थ्री वन, 1 1 1 1 माइनस 3, सी थ्री टू, ये आ गया ये, और ये 1 1 2 1, 1 1 2 1, सी थ्री थ्री आ गया 2 1 माइनस 1 3। देखो भाई ये गलती हो गई है, यहाँ हमने क्या करा है कि इसमें माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखा, सीधे कोस। अब देखो अब ध्यान रख लेंगे, जैसे सी वन वन प्लस माइनस ये रखा, ठीक प्लस, ठीक प्लस के बाद क्या आएगा, यहाँ माइनस प्लस और यहाँ पर माइनस, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, फिर यहाँ क्या आएगा माइनस, अच्छा अब यहाँ क्या माइनस आएगा क्या प्लस आएगा, अगर आर प्लस एस, आर इस आर प्लस एस इज इक्वल टू सम, यानी रो और कॉलम, ये आर प्लस सी इक्वल टू सम इवन है, इफ सम इज इवन दैट इज प्लस साइन, और इन द कोफैक्टर इज द माइनस दैट वी हैव द माइनस साइन, दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इट मीन्स, इट मीन्स 1 प्लस 1 2 प्लस, दैट इज 1 रो 2 कॉलम, 1 प्लस 2 3, और अगर ये इवन है तो क्या आएगा, ये प्लस का आता है साइन, और अगर आर प्लस सी क्या आता है ऑड है तो क्या आता है माइनस का, तो यहाँ कहता है 1 1 रो सेकंड कॉलम, 1 रो सेकंड कॉलम क्या, 1 प्लस 2 3, 3 का क्या आ गया, ये आ रहा है माइनस का, तो इस तरह हम जो है इसका सबका ये कर लेते हैं, ठीक है भाई। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, सी वन वन की 3 प्लस 6 कितना आ गई इसकी, 9, कितनी आ गई इसकी वैल्यू, 9, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 2 6 6 प्लस 6 माइनस 3 कितनी आ गई इसकी वैल्यू, 3 आ गई, और ये माइनस क्या है तो ये माइनस की 3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 2 4 4 प्लस 1 कितनी आ गई, 5, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 3 प्लस 6 कितनी आ गई है, 6 1 1 1 2 3, वन वन यानी 6 2 1, 1 1 2 3 क्या आएगा, 3 1 3 3 माइनस 2 कितनी आ गई है, 1 आ गई, क्या आ गई है 1, और 1 भी है माइनस से है तो माइनस से 1, इसमें क्या आ गई इसकी वैल्यू, 3 प्लस 1 4, इसकी कितनी वाली आ गई, 2 प्लस 1 माइनस 3, आई बात नहीं, फिर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस थ्री
माइनस थ्री, माइनस वन, माइनस फोर, वन वन, माइनस टू, माइनस वन इक्वल टू वन, फोर प्लस वन फाइव। माइनस के वन क्या आ गया, माइनस के वन। और इसका जो है कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ गई इसकी, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या आ गई इसकी, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स की आगे इसकी है, ये क्या आ गई है, यहां से लिखने शुरू करेंगे नाइन 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 माइनस थ्री, ये फाइव आ गया, सीरीज में क्या आ गया माइनस वन फोर, ठीक है माइनस थ्री से माइनस फोर, फिर क्या आ गया वन माइनस वन, ये इसका कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज इसका नाइन थ्री फाइव माइनस वन फोर माइनस थ्री, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ही कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही ये कहलाता है, क्या जाएगा ये नाइन माइनस वन माइनस फोर नाइन थ्री, नाइन माइनस वन फोर नाइन, थ्री फाइव फोर माइनस वन माइनस थ्री माइनस, ये इसका एडजॉइंट ए आ गया, क्या कहते हैं एडजॉइंट ए। ये माइनस थ्री का क्या है नाइन माइनस भाई नाइन माइनस थ्री फाइव माइनस वन फोर माइनस थ्री माइनस फोर, इसको निकाल दूंगा मैं वन वन माइनस वन और सी माइनस वन वन और हाँ ये जाएगा माइनस वन और सी, ये चीज हुई मिले वन 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 टू और माइनस थ्री, वन वन टू और माइनस थ्री, माइनस फाइव आएगा, क्या आएगा ये माइनस फाइव।
यहाँ भी है माइनस फाइव आ जाएगा, यहाँ भी क्या जाएगा -5। ये माइनस है तो माइनस और माइनस क्या जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, क्या जाएगा ये इसका ट्रांसपोज। ठीक है देख लेंगे, ये इसका जो है, इसका जो है ट्रांसपोर्ट से इसके को फैक्टर से ये आ जाएगा। देखो जब ये थ्री करेगा ये 1 1 2 है, क्या आएगा ये अभी जब ये 3 2 करेंगे ये वाला, ये क्या आएगा 1 1 2 माइनस थ्री, ये एक माइनस पहले है, माइनस माइनस क्या जाएगा ये प्लस। इससे जो है इसका क्या निकाल लेंगे हम, इसका जो है ये एडजॉइंट आता है, क्या निकाल लेते हैं ये एडजॉइंट। ओके अब होता है इनवर्स, अब क्या आता है इसका इनवर्स, अब है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। इससे पहले क्या पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, क्या पढ़ लेते हैं इससे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स में क्या आता है भैया, अगर कोई ए है, ए मैट्रिक्स है और उस पर एडजॉइंट ए है, इस तरह ए मैट्रिक्स है इसकी मल्टीप्लाई उसके एडजॉइंट से हो रही है, या ये होता है मॉड ओ आई एन इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, इस तरह ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी है इफ ए इज ए नॉन सिंगल स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ इफ ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सब जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होते हैं, फोर ए की बार लिख देंगे, लिखने देना चाहिए मुझे, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अब क्या है नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए इक्वल टू ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन, तो क्या आता है एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इक्वल टू ए की पावर एन माइनस वन, या कह दो एडजॉइंट, एडजॉइंट दो बार एडजॉइंट है ये क्या आ जाएगा, यह आता है मोड ए एन की पावर माइनस वन का स्क्वायर, क्या आता है मोड ए एन माइनस वन का स्क्वायर, अगर ये आ जाएगा 3 बार हो तो क्या आता है ये एडजॉइंट 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 ए मोड ए, ये 3 बार आ गए, ये क्या है सिमिलरिटी, अगर इसी तरह है इस तरह है तो ये क्या आ जाता है मोड ए एन की पावर मोड ए इसके, यानी जितनी भी यहाँ एडजॉइंट है उसकी एन की का स्क्वायर, यहाँ एडजॉइंट एक था तो एक की पावर ये इस तरह की आ गई सिमिलरली, यहाँ 2 था तो 2 आ जाएगी, 3 था तो 3 आ जाएगी, 3 था तो
तीन आ जाएगी। अगर चौथी प्रॉपर्टी है इसकी, थी थर्ड प्रॉपर्टी है, तो क्या है? एक एडजॉइंट है, फिर क्या है इसका एडजॉइंट ए है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? मोड ए एन की पावर -2 ए, क्या होती है? मोड ए ई मोड ए एन की पावर -2 ए, ये भी लिख सकते हैं इसको। एडजॉइंट एडजॉइंट ए इक्वल टू मोड ए एड मोड ए, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और चौथी प्रॉपर्टी क्या है? अगर दो मैट्रिक्स हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, एडजॉइंट ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ये था रिवर्सल लॉ। एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट 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 ए इक्वल टू मोड ए रिक्वायर्स टू ए एडजॉइंट ए बी। अब इफ देर आर टू मैट्रिक्स ए एंड बी हैव द सेम ऑर्डर, देन एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी डॉट एडजॉइंट ए, दैट इज कॉल्ड द रिवर्सल लॉ ऑफ रिवर्सल लॉ। और अगर कोई एडजॉइंट है, ये पांच ही क्या प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसकी क्या होता है? एडजॉइंट ए पूरे का ट्रांसपोर्ट, ये पूरे का भी ट्रांसपोर्ट छठी प्रॉपर्टी है। अगर अगर के इज एनी स्केल, अगर के कोई एनी स्केल नंबर हो, एडजॉइंट के इज इक्वल टू के की पावर n-1 एडजॉइंट ए, एक सेवन न्यू प्रॉपर्टी आ गई। एक और प्रॉपर्टी आ गई इसकी है, तो ये जो है ये प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की, क्या प्रॉपर्टी है? पहली, ए एडजॉइंट एडजॉइंट की एडजॉइंट और मैट्रिक्स का मल्टीशन हमेशा उसके डिटरमिनेशन और उसकी IN आइडेंटिटी मैट्रिक्स के क्या होता है? इक्वल होता है। दूसरी क्या है इसका? ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है एडजॉइंट ए इक्वल टू मोड ए एन माइनस वन, ये यानी कि दो एडजॉइंट है तो ए एन की पावर माइनस का स्क्वायर, तीन है तो ए मोड ए एन की पावर माइनस वन का क्यूब। ये क्या आ गया यहां से? एडजॉइंट ए क्या मोड ए की पावर n-2 इंटू ए भी लिख सकता हूं उसे, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या था? एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, अलग अलग मल्टीशन के रिवर्स के, इसे कहते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है तो उसके एडजॉइंट के मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। अगर के कोई एन स्क्वायर नंबर है, स्केलर नंबर है, एडजॉइंट के ए है, तो क्या होता है? के की पावर n-1 बाहर आ जाता है, जो एडजॉइंट ए के बराबर होता है, के इज एनी स्केलर। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की। अब इसके आगे फिर आगे बढ़ते हैं, यदि क्वेश्चन लगाते हैं इसमें,
क्या है क्वेश्चन? इफ ए इज लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री सच दैट, क्या किस तरह के, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री ऑफ ऑर्डर थ्री सच दैट, इस तरह की मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 30-24 सच दैट, पहले ये क्या है ए एट पॉइंट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या है एडजॉइंट 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 ए इज इक्वल टू क्या की इक्वल है ये सिक्स जीरो 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 माइनस ट्वेंटी फोर जीरो माइनस ट्वेंटी फोर फोर जीरो सिक्स फोर जीरो ट्वेल्व फोर फाइंड मोड ए यानी डिक्लेरेशन ऑफ ए, पहली तो इसकी पोजीशन और दूसरी पोजीशन है इसकी एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या दे रखी है ये जो मैट्रिक्स है एडजॉइंट 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 ए ये दे रखी है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इसकी ऑर्डर थ्री की, ऑर्डर थ्री की दे रखी है अच्छा जी। अब मैं पहले इसको ही ले लूंगा, क्या दिया गिवन है, गिवन है ये एडजॉइंट ए ये है, ये कह के बराबर फॉर्मूला होता है, ये कह के बराबर फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला अभी पढ़ गए थे हम तीन है तो क्या अभी फॉर्मूला पढ़ गए थे, कह के बराबर होता है एडजॉइंट ए की पावर एडजॉइंट ए की पावर एडजॉइंट ए की पावर एन माइनस टू क्या क्या होता है एडजॉइंट ए की पावर एन माइनस टू और जी एडजॉइंट ए बाहर आ गया ये अभी फॉर्मूला पढ़ गया ये अच्छा एडजॉइंट ए क्या इक्वल होता है यो एन माइनस वन मोड ए फिर एक फॉर्म लगा थ्री फिर थ्री प्रॉपर्टी लगा दिए की पावर एन माइनस टू एडजॉइंट ए अच्छा और किस किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये थ्री और थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है फोर ऑर्डर थ्री फोर ऑर्डर थ्री तो एन इक्वल टू थ्री एन की वैल्यू पुट यहां रखी एन की वैल्यू क्या रखी ये रखी तो क्या आएगा ये मोड ए का स्क्वायर थ्री माइनस टू वन और थ्री माइनस इक्वल टू एडजॉइंट ए इक्वल टू ये जो भी तू ये तो इसके बराबर मैट्रिक्स चली रही इसकी वैल्यू रख दूंगा फिर सिक्स जीरो माइनस ट्वेंटी फोर जीरो फोर जीरो जीरो ट्वेल्व
फोर ये आ गई। अच्छा अब इसका क्या कर सकता हूं मैं, एक और फॉर्मूले देखो। हाँ क्या देख है ये, फिर देखो एक बार और इसको। ये तीन बार ज्वाइंट है, इसमें भी तीन बार ज्वाइंट है, इसमें क्या है वो तीन बार ज्वाइंट है, तो क्या आ जाएगा ये मोड ए, क्या है मोड ए एन माइनस वन, क्या आ जाएगा ये मोड ए, क्या आ जाएगा ये मोड ए एन माइनस वन की पावर थ्री इक्वल टू, एक सीधा फॉर्मूला, ये भी एक प्रॉपर्टी से सीधा फॉर्मूला जाएगा ये। अच्छा ये अब इसकी जो है, इसकी अगर इसकी वैल्यू लिख दूंगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 16। इसकी वैल्यू कितनी आएगी भैया, ये 16 है। दो इफ ये वो है तो 16 इसके एक्सपेंड में करके 16, 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
8 इक्वल टू 256, इधर 8 इक्वल टू 256 एंड 2 की पावर 8, a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2। अब a की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं, यहां से रख दूंगा, a की वैल्यू 2 रख दूंगा, तो क्या आएगा 4 एडजॉइंट a इक्वल टू 16 0 माइनस 24 0 4 0 0 12 और 4, ये आ गए यहां से एडजॉइंट a इक्वल टू क्या आ गया, फिफ्थ 0 माइनस 24 0 0 4 0 12 0 और ये 1। ये किसी भी चीज की ये मैट्रिक्स, देखो ये क्या है, ये एक कोई कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी थी, गिवन है, क्या है गिवन, क्या है लेट, ये कोई गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको ये दे रखा है गिवन एडजॉइंट एडजॉइंट ए इक्वल टू ये वैल्यू, ये दे रखी है एक मैट्रिक्स दे रखी है, क्या दे रखी है ये मैट्रिक्स, इसका फाइंड करना है, इसका एक तो मोड ए की वैल्यू निकालनी है और एक है निकालनी है एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये दो, एक तो पहली ये है और दूसरा ये निकालनी है। अब ये गिवन है एडजॉइंट एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला एडजॉइंट ए एन की पावर टू इनटू एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए की पावर का फॉर्मूला क्या है एडजॉइंट एन माइनस वन, एन माइनस दो एडजॉइंट ये आ गया, और एडजॉइंट, अच्छा अब इसमें जो है तीन ऑर्डर की है तो क्या आएगा थ्री माइनस वन टू और थ्री माइनस टू वन, तो क्या आएगा ए का स्क्वायर आ गया एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, ठीक, ये इन दोनों में फॉर्म लगा दो एडजॉइंट लेके ए की रहेगा खाली, तो ये हो गया ए स्क्वायर एडजॉइंट ए इक्वल टू। फिर मैंने एक बार और ये करा, ये फॉर्मूला होता है एक मोड ए एन की पावर माइनस क्यू, एन इक्वल टू थ्री है तो मोड ए की पावर एट आ गया इक्वल टू 256, 256 को क्या है 2 की पावर 8, दोनों कंपेयर कर दिया मोड ए इक्वल टू 2 और मोड ए की वैल्यू यहां रख दी 2, 2 का स्क्वायर 4, तो एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या आ गया 1/4 16, 1/4 16 0 माइनस 24 0 4 1 0 12 4 0 12 4, ये इस तरह की इसकी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है,
अगर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? लेट ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एंड देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी, ए मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई आई है, इस तरह की कोई मैट्रिक्स है ए बी इज इक्वल टू, देन अगर कोई ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन की है, ऑफ ऑर्डर एन, एंड देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी, बी सेम ऑर्डर, ए की सेम ऑर्डर की इसका भी ऑर्डर वही होना चाहिए, और किस तरह की है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन है, देन ए बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, और ए इज इनवर्स ऑफ बी, या बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, या ए इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ बी, ए इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ बी, ए बी का या बी ए का इनवर्स कहलाता है इफ ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, और क्या कहना चाहिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी और बी इनवर्स इज इक्वल टू ए, इस तरह का अगर है ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, बी इनवर्स ए, तो इस तरह का क्या कहलाता है, ये कहलाता है, यानी कि अब, और अगर इसका निकालना हो किससे निकलता है, ए इनवर्स क्या कहता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू मैथमेटिकल एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए, इसकी डिटरमिनेशन से इसको एडजॉइंट को इस मैट्रिक्स के अगर किसी मान लिया कोई ए का इनवर्स निकालना हो तो किससे निकालते हैं, उसका एडजॉइंट निकालो और उसके डिटरमिनेशन से साइन डिवाइड कर दो, दैट इज कॉल्ड द इट इज इनवर्स, इट इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो ऑफ ऑर्डर एन और बी भी सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, वो इस तरह का हो, ए बी इज इक्वल टू बी ए, जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाता हो, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, क्या जाता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, या बी इनवर्स इज इक्वल टू ए, दैट इज कॉल्ड टू द बी इनवर्स ऑफ ए एंड ए इनवर्स ऑफ बी, अब जैसे है क्या क्वेश्चन है, लेट पी बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, लेट पी बी आ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, लेट पी बी आ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड किस तरह का है, आई प्लस पी स्क्वायर प्लस पी की पावर थ्री एंड सो ऑन पी की पावर एन इज इक्वल टू जीरो, इस तरह के मैट्रिक्स है भाई, लेट पी बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, पी बी ए
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आई पी पी और ग्रो देन फाइंड पी इनवर्स. इसका इसका पी इनवर्स निकालना है, इसका पी इनवर्स निकालना है. अगर ये गिवन है, क्या गिवन है, ये आई प्लस पी प्लस पी पी की पावर पी प्लस पी की पावर एन इक्वल टू जीरो. अब अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इन्वर्टेबल है, दोनों तरफ पी माइनस वन से क्या कर दूंगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, दोनों तरफ बोथ साइड में पी माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो. क्या आ गया, पी माइनस वन प्लस पी माइनस वन पी प्लस पी माइनस वन पी स्क्वायर प्लस पी माइनस वन पी थ्री प्लस पी माइनस वन पी माइनस वन इंटू जीरो. ये आ गई, ये क्या आ गया, ये आ गया पी माइनस वन से जुगत हुआ आ गया, ये आई आ गया, ये पी की पावर वन पी की पावर टू पी की पावर थ्री एंड सो ऑन, ये गया पी की पावर एन माइनस वन इक्वल टू. ठीक, अब इसको क्या करता हूं मैं, अब इसको सबको, ये मुझे p की पावर माइनस वन चाहता है, p की पावर माइनस वन चाहता है, सबको इधर ले आ, क्या आ गया माइनस आई प्लस पी प्लस पी स्क्वायर प्लस पी की पावर थ्री प्लस p की पावर एन माइनस वन, ये आ गया, ये आ गया. और इसमें ये अगर वैल्यू जीरो आ जाएगा, इसमें पी की पावर एन है, देखो पी की पावर एन की इसमें जो है कमी है, तो क्या कर देता हूं मैं इसमें माइनस वन पी की पावर इसकी वैल्यू, इस सब की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई. तो जीरो माइनस पी की पावर वन क्या आ गई, पी माइनस वन इक्वल टू माइनस जीरो माइनस पी की पावर एन. तो जीरो माइनस पी के माइनस पी की पावर, जीरो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई कर गया, क्या आ गया ये पी माइनस वन इक्वल टू पी की पावर एन. पी माइनस वन इक्वल टू क्या आ गया, पी की पावर एन. क्या आ गया भैया, ये देखो, लेट सी बी ए, ये कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था, ये गिवन ये कंडीशन थी. अब क्या करा मैंने, फाइंड द पी इनवर्स, क्या करा मैंने, जो ये दे रखा गिवन कंडीशन इसको लिख लिया ये, क्योंकि पी इज क्या है, पी क्या है, बिकॉज क्या है, पी इज नॉन सिंगुलर, पी इज क्या है, पी इज नॉन सिंगुलर या तो इन्वर्टेबल या नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर या इन्वर्टेबल, या पी नॉन सिंगुलर इन्वर्टिबल है, पी की पावर माइनस वन से दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये आ गया पी माइनस वन, इसको पी माइनस वन पी इनवर्स पी आया आ गया, क्योंकि पी इनवर्स को सबको इधर लिया है. तो इसमें ये कंडीशन फिट हो रही है, पूरी हो रही है, सिर्फ इसमें पी की पावर एन की कमी है, तो प्लस के पी की पावर एन और माइनस बी की पावर एन कर दिया, ये इतना फिर क्या आ गया, ये सारा जीरो हो गया. तो जीरो माइनस पी की पावर एक बाहर था, माइनस माइनस प्लस, तो पी इनवर्स इज इक्वल टू पी की पावर एन, दैट इज सॉल्व. तो इसका जो इनवर्स है, इसका जो है पी की पावर एन है. बहुत इजी सवाल होते हैं मैट्रिक्स के, थोड़े लेंथी तो होते हैं करने में, लेकिन बहुत इजी. ठीक है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं. ठीक है, बेस्ट ऑफ लक. Thank you.